ये है पवन पुत्र हनुमान जो पहाड़ लेके चल दिए थे, जिन्हें ये नहीं पता कि ये इतने बड़े होके पहाड़ लेके चल पड़े, लेकिन वो लंका को उठा के इस पार नहीं ला सके थे। अब इनके देखो मैं कैसे तोड़ने जा रहा हूँ और ये मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। यही तरह का तुरंत बाद में डाल दिया। अब यहाँ पे आ रही हैं, ये गणेश जी हैं, हरिया भर जा तुरंत जा, और ये लक्ष्मी जी हैं, ये सरस्वती जी हैं। बताया जाता है कि लक्ष्मी जी सोने का सिक्का बरसाती हैं। अगर भारत में धन की देवी सोना देने वाली अगर लक्ष्मी होती तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे कोई जीवन यापन नहीं करता। और ये है सरस्वती जिसे शिक्षा की देवी माना गया है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा अशिक्षित, अंगूठा टेक और निरक्षर लोग पाए जाते हैं। और ये गणेश जी बताया जाता है सिद्धि के गणनायक, और उनका मैल से जन्म हुआ था, माता पार्वती ने मैल से बना दिया था। और भगवान शंकर जो तीनों लोक को देखने वाले अंतर्यामी, उन्होंने अपने बेटे को ही नहीं पहचान पाया कि मेरी घरवाली ने इसे पैदा किया, और अंदर नहीं जाने दे रहा था। मान लो वो छोटा बच्चा था, उस बच्चे को एक झापड़ मार देते, दो झापड़ मार देते, एक गुम्मा मार देते, उठा के पटक देते, लेकिन उसका सिर काट दिए। अब फिर क्या होता है बताते हैं कि हाथी का सिर जोड़ दिया गया उनके ऊपर। अब ये बताओ, एक बड़ा हाथी जो होता है भैंस, उसकी गर्दन की मोटाई कम से कम 8 या 9 फीट की मोटाई में होती है। छोटा बच्चे की गर्दन की मोटाई होती है 4 फीट या 5 फीट की। अब एक छोटे बच्चे जो इंसान के बच्चे की गर्दन की मोटाई 3 इंच से 2.5 इंच तक होता है। अब ये जुड़ा कैसे, सोचना चाहिए ना कि ये सही क्या है गलत क्या है। अगर सिर हाथी का सिर जुड़ा भी जाएगा तो वो पूरा सिस्टम सुन होगा, पूरा उसका मस्तक ऊपर पे चला जाएगा। यह सब कपोल और झूठी बातें हैं। ब्राह्मण आता है तो यही कहता है कि गाय का गोबर ले आओ, किस लिए, गौरी गणेश बनाने के लिए। अगर गणेश बनाना भी है उस ब्राह्मण से कि भाई देखो ऊपर हाथी है नीचे आदमी है, अगर गणेश बनाना है तो हाथी का गोबर का बनाओ। हाथी का गोबर तो बहुत कम ही मिलेगा, लेकिन आदमी का गोबर हर जगह मिलेगा। वो इतना मूर्ख बनाता है कि शुरू करता ही ये कहता है कि गणेश आए, श्री गणेश करो, यानी मूर्ख बनाओ। हमारे समाज को वो मूर्ख ही बनाया है, और सब कुछ उस गाय के गोबर पे, गौरी गणेश पे रखवा लेता है, और रुपया पैसा फल फ्रूट कपड़ा लत्ता सब उठा के झोली में गोबर को ही छोड़ देता है। तो हमारी मूर्खता है कि हम ब्राह्मण के चक्कर में पड़े रहते हैं। मूर्ख ब्राह्मण नहीं, हमारा अपना समाज है, SC ST OBC समाज है, मैं इनको भी तोड़ने जा रहा हूँ। अब आ गया ये नंबर दुर्गा का। दुर्गा की मूर्तियां कहीं भी बनती होगी, आप लोग ध्यान दिए होंगे, कभी पूछना जाके कि जो बना रहा है कारीगर उसमें बताता है, उसे पूछना कि इसमें थोड़ी सी मिट्टी कहाँ से लाके बनाई जाती है। वो वैश्यालय के आंगन से आती है। ये जो दुर्गा जो थी वो कलकत्ता में सोनागाछी एक वैश्यालय था, उसमें इसका जन्म हुआ था। महिषासुर अपने आदिवासी राजा था, उसको मारने के लिए ब्राह्मणों ने जाल रचा और महिषासुर से शादी करवाया। शादी करवाने के बाद उन्होंने कहा कि वो पहले वैश्यालय की जो मालकिन थी उससे कहा कि जब तक ये दुर्गा जवान है तब तक तो इससे पैसा कमाओगी, फिर आगे क्या करोगी। तो उसने कहा कि इस लड़की को हमें दो, इस लड़की से हम उस महिषासुर जो राजा था उसका मार करके उसका आधा राजपाट हम तुम्हें देंगे, आधा हम ले लेंगे। ले गए। जब वो मूर्ति बनती है ना, तो मूर्ति बन के तैयार होती है, तो सातवें दिन उसकी पट्टी आंख की खोली जाती है,
आंख की पट्टी खोल करके यही बताया जाता है। जो उसको बता दो कहानी, वो उसने कहा कि इसलिए खोला जाता है कि उसकी शादी इसीलिए की गई थी, तो उसके साथ वो भोग विलास में रह गई। तो बताया उसने कि हमने तुझे किस काम के लिए भेजा गया था, तो सातवें दिन आठवें दिन उसे दारू पिलाती रही और सारी खजाने की चाबियां लिया, और नौवें दिन सुनो तो थोड़ा ना, नौवें दिन क्या करती है कि जुगाड़ लगा करके शराब में जहर मिला के पिलाती है। ये जो त्रिभुज आकार है उसमें तीनों तरफ से अगर जोड़ते हैं तो 20 आता है। उस शराब में जहर मिला के पिलाया, लेकिन अपने महिषासुर आदिवासी राजा इतने बलवान थे कि नहीं मरे, तो उसने तलवार से काटा है उनका शरीर, उनके सिर को काट करके आज जो जगह जगह घर मकान बनता है, दुकान बनता है, तो वो उसी महिषासुर की गर्दन को लटकाया जाता है। आज जब दुल्हन आती है घर में प्रवेश करती है तो लोटा रखा जाता है कलश बना करके वही महिषासुर की गर्दन को ही, और वो लात मारती है, और बारात में या थाली में लाल रंग घोल के रखा जाता है, उसमें हाथ और पैर डुबो करके जाती है अंदर और दीवार पे छापती है। तो वही है उसका प्रतीक, दुर्गा ने जब काटा उस खून को उसने पिया और अपने मांग में भरा, अपने हाथ पैरों को लाल किया और अपनी जो साड़ी पहनी थी उसको भी खून से रंग लिया। यही बात है कि जब भी दुल्हन की शादी होती है तो लाल जोड़े में ही वो आती है, वही कहानी है इसका। ये सारी बातों को हमारे अपने लोग जाने नहीं, सिर्फ वही लाल चुनरिया के चक्कर में पड़े रहते हैं। पहले जाने कि ये लाल चुनर के पीछे कहानी क्या थी। तो दुर्गा हमारी समाज के आदिवासी राजा को मारने वाली हत्यारिणी है, पापनी है, न कि हमारी देवी नहीं है। हमारे समाज को इसने कुछ नहीं दिया, हमारे समाज के आदिवासी राजा का कत्ल करने वाली हत्यारिणी पापनी है, यह माँ नहीं हो सकती। जो हमारे समाज के लोग अपना दुर्गा माँ कह करके पूजते हैं, हमारे समाज की माँ तो हमारे बाबा साहब की माता भीमाबाई, और अपने पूर्वजों के अपने माता पिता हमारे भगवान है। जीवन भाई गाम उटिया तालुको राजूला जिल्लो अमरेली करेदी जेमना फोटा हमणा लाव्या बधाए एनो आ पुरावो छे कि भाई हकीकतमां निकली गया छे अंधश्रद्धामांथी ना बधी वस्तुमांथी, एनो प्रूफ तमे जोई शको छो। बराबर छे, जो भाई आ 5000 फोटा हशे, बधा फोटा इम्पोर्ट छे अने आ बधा लगभग सिटी फ्रेम छे एटले बहु सरस फोटा छे, पण आमां जे अंदर जे वस्तु छे बहु खराब छे, अंधश्रद्धा बहु फैलाई छे। જો ભાઈ આ બધે લગભગ આખું બ્રહ્માંડ એમના ઘરે હતું, જેટલા લોક બ્રાહ્મણની પેલી મનુવાદી સિસ્ટમમાં આવે છે એ બધા આમાં હતા, બ્રહ્માંડ આખવામાં ફસાયેલું છે। તમે જોઈ શકો છો વકલે વકલ છે આમાં, નકલે નકલ છે, બધી જ્ઞાતિ છે આમાં ટોટલી। જે જ્ઞાતિ વાત કરે છે ને મનુવાદી, એ બધી જ્ઞાતિ આમાં છે। અને આ ભાઈ પોતે જીવણભાઈ, જીવણભાઈ તમે ખરેખર દિલથી વિચારીને આ ફોટા અર્પણ કરો છો નદીમાં, ગામ ઉટિયાની નદી છે આ, જોઈ લેજો। હાલો જીવણભાઈ, એક કરી નાખજો। બાબા સાહેબે ક્યાંય કીધું નથી કે તમે આવી રીતે કરો, પણ આ એક અંધશ્રદ્ધા છે એટલે અંધશ્રદ્ધા ખિલાફ લડવું એક સંવિધાનિક હક છે અમારો, અને આમાં કોઈ વિરોધ કરે તો સરવૈયા નયનકુમાર ફ્રોમ ભાવનગર 81-40-12-15-24 મારો નંબર છે, એની ટાઈમ કોલ કરવો। અને ઘણા ફોટા બધા નાખી દીધા છે ભાઈએ, ટોટલી અંધશ્રદ્ધા બધી જ પધરાવી દીધી છે આજે પાણીમાં, જો કે બહુ મનુવાદી વિચાર છે, બધા ફોટા જાય છે। અને અમુક શ્લોકોને સવાલ થશે કે ભાઈએ મહાકાળનું ટી શર્ટ પહેર્યું છે, તો ભાઈ તમારો હાથ બતાડો તો। જીવણભાઈ બાબા સાહેબનું પેલું છે ને ટી શર્ટ, તો આ તો ફેશન છે, પણ છતાં એનું ટી શર્ટ કાઢીને ફેંકી દેશે અને ઘર સુધી એમનામ જશે, પણ એમને મનુવાદીનો વિચાર કોઈ એના ઘરમાં રાખવા માંગતા નથી। જો આ ટી શર્ટ હોય હવે જીવણભાઈ આમનામ એના ઘર સુધી જશે, એને કોઈ ચિંતા નથી, કેમ કે એ મનુવાદી સિસ્ટમ રાખવા માંગતા નથી। ચલો જીવણભાઈ, જય ભીમ, જય।